नमस्ते पैटर्न्स किचन में मैं कोमल आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम बनाएंगे डबल लेयर चॉकलेट बर्फी। उसके लिए मैंने यहाँ पर मावा लिया है, मावा या खोया जो भी आप कहते हैं। ये 500 ग्राम है। एक कप शक्कर ली है, ये 200 ग्राम शक्कर है। इसे मिक्सी जार में डाल के इसकी मैं पाउडर बनाकर लेने वाली हूँ। यहाँ पर मैंने 1 से 1.5 टेबल स्पून कोको पाउडर ली है, कार्डिमम इसेंस लिया है, मैंने के इलायची इसेंस लिया है। यहाँ पर मैंने एक ट्रे लिया है जिसके अंदर मैं बर्फी को सेट करने के लिए रख दूँगी। गैस पर मैंने क्या कढ़ाई रख दी है। इसे अच्छी तरह से गर्म करने के बाद इसके अंदर डालेंगे 1 टेबल स्पून घी। ये देसी घी डाला है मैंने। और इसमें डालेंगे हम ये खोया या मावा, ये 500 ग्राम है। गैस की फ्लेम को धीमा ही रखेंगे और 6-7 मिनट तक इसे हम अच्छी तरह से भून लेंगे। इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसमें डालेंगे चीनी। 200 ग्राम चीनी को मैंने पीस लिया है मिक्सी में। सात मिनट हो चुके हैं, शक्कर और मावा अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है, अभी वो गाढ़ा होने लगा है। अभी और उसे हम 3-4 मिनट तक ऐसे ही धीमी आंच पर पकाएंगे। इसके अंदर मैं डाल रही हूँ इलायची इसेंस, आप चाहे तो इलायची का पाउडर डाल सकते हैं। सारे मिश्रण को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे 2-3 मिनट तक। अच्छी मिश्रण हमारा ठीक हो रहा है तब तक हम ट्रे तैयार कर लेंगे। ट्रे के अंदर मैंने 1/2 चम्मच घी डाल दिया है, इसे हम अच्छी तरह से फैलाएंगे। बर्फी का मिश्रण हमारा ठीक होने लगा है। इसे और भी ठीक करने जाएंगे तो हाँ हमारा ये मिश्रण है इसका कलर चेंज हो जाएगा। तो मैं गैस की फ्लेम को ऑफ कर रही हूँ और ग्रीस किए हुए ट्रे के अंदर 1/2 से भी ज़्यादा मिश्रण हम इसके अंदर डाल के सेट करने के लिए रख देंगे। दस मिनट हो चुके हैं, यह अभी अच्छी तरह से गाढ़ा हो चुका है। तो अभी हम इसके ऊपर दूसरी लेयर बनाएंगे। 10 मिनट में ये मिश्रण भी थोड़ा गाढ़ा हो गया था। ये बचा हुआ मिश्रण है, इसके अंदर हम डालेंगे 1/2 टीस्पून घी, क्योंकि ये मिश्रण गाढ़ा हो गया था। और इसके अंदर डालेंगे हम कोको पाउडर, 1 टेबल स्पून कोको पाउडर डालेंगे। कोको पाउडर डालने से भी मिश्रण जल्दी से गाढ़ा हो जाता है। अभी इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। गैस की फ्लेम को धीमा रख के मैंने इसे 1 मिनट तक अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, पका लिया है। अभी गैस की फ्लेम को मैं बंद कर रही हूँ और इसे
इसे हम इसके ऊपर डाल देंगे। इसे अच्छी तरह से फैलाएंगे। और टैप कर लेंगे। इसे रूम टेम्परेचर में ही हम ठंडा कर लेंगे। बर्फी हमारी अच्छी तरह से सेट हो चुके हैं, तो अभी हम इसे कट करेंगे। कट करने के बाद इसे हम सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे। ये आप देख सकते हैं डबल लेयर वाली चॉकलेट बर्फी हमारी बनकर तैयार है। इसी तरह आप चॉकलेट मावा बर्फी हलवाई की तरह आप घर पर भी बनाकर खा सकते हैं। इसे बनाने के लिए 10 से 15 मिनट लगते हैं। इसे आप 8 से 10 दिन तक फ्रिज में स्टोर करके खा सकते हैं। इसे आप किसी भी त्यौहार पर, खुशी के मौके पर या जब भी आपका मीठा खाने का मन करे, ये झटपट बनने वाली मिठाई आप घर पर आराम से बनाकर खा सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।